हेलो, सो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नंदिनी मैडिको। तो कैसा लग रहा है आप सबको वापस से मुझसे मिलकर? अच्छा लगे तो बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार अगर पसंद आए तो। रेडी? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक आप लोगों के काम ही आएगा। सो लेट्स सी, सेट गो। नाउ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, इन एनी कॉलेज एक्चुअली, फॉर MBBS, फॉर BMS, अगर आप नर्सिंग भी जा रहे हो, तो कोई भी अगर आप मेडिकल फील्ड का कोर्स चूज कर रहे हो, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है ही इन डॉक्यूमेंट्स के आपको, ठीक है। सो फर्स्ट इज सिलेक्शन लेटर, यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर होता है, नीट एडमिट कार्ड, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, टेंथ पासिंग सर्टिफिकेट, जिस भी कॉलेज में आपका नंबर लगा है उसका अलॉटमेंट लेटर यानी कि सिलेक्शन लेटर, और ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म वो सबमिशन फॉर्म है जब आप काउंसलिंग के दौरान जो फॉर्म भरते हो, जो भी आपने कॉलेज चूज किए हुए होते हैं वो तो अलग पोर्शन होता है, पर जो आप डिटेल्स भरते हो काउंसलिंग के लिए वो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म के अंदर आता है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट अलग भी होता है, पर जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर उसमें नेशनलिटी आपकी लिखी है इंडियन या कोई भी नेशनलिटी लिखी है तो वही नेशनल सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। डोमिसाइल, टेंथ पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 11th की मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, पर अगर हम बात करते हैं किसी और कास्ट की तो उनके लिए लगता है। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नाम की चीज़ भी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ होता है एक्चुअली। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के हिसाब से जो वैलिडिटी होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, मेरा जो एडमिशन हुआ था तो महाराष्ट्र में हुआ था, तो एक्चुअली मेरा कास्ट तो जनरली है, बट कई ऐसे लोग थे जिनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है अदर स्टेट में, तो उनको महाराष्ट्र के अंदर क्या था कि उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए था, तो वो भी एक बहुत इश्यू क्रिएट करता है, तो उसका भी ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं दूसरी भाषा में, गैप सर्टिफिकेट अगर आपने गैप लिया है तो ही ज़रूरत है, EWS अगर है तो लगाओ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है, और PWD सर्टिफिकेट अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो ही, राइट। तो ये भी एक चीज़ है, इश्यू क्रिएट होता है लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर भी थोड़ा बहुत, मेरे टाइम पर हुआ था, तो एक ये भी फैक्टर आता है। तो बस इतना ही है आज के लिए, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।